और ये कि हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इंडिया को क्लेम करा है कि वो हमारा हिस्सा होना चाहिए, उसको हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। आगे बाकी लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जो है मिलना चाह रहे हैं, आपका अपना जाती का ख्याल है, आप लोग भी इंडिया से मिलना चाहेंगे इंशाल्लाह इंडिया के साथ? जी भाई मजा आया। देखा जाए पाकिस्तानियों को कि बलूचिस्तान वगैरह में इतनी कोई सहूलियात नहीं है, ठीक है, तो इंडिया उनको सहूलियात फराहम करेगा तो जाहिर सी बात है फिर क्लेम करना उसका बनता भी है। बात तो सही है, दौड़ना तो यार। ये जब पाकिस्तान आपको तवज्जो ही नहीं दे रहा है, जो हम तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, हम तो यार हम तो ये कोशिश करते हैं पाकिस्तान के साथ मिले, जब आपको तवज्जो ही नहीं देता फायदा तो इंडिया की तरफ आपको उम्मीद तवज्जो मिलेगी जाहिर बात इंशाल्लाह। सही पकड़े हैं, सिर्फ आई थिंक वो कहते हैं ना बड़के मार रहे हैं, वो सिर्फ बड़क मार रहे हैं कि जैसे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं। अभी मैं चावल की प्लेट लेने के लिए ना काफी लंबी लाइन लगी हुई थी सिर्फ चावल्स के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और मजेदार होने वाली भाई, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए इस बात को जान के कि पाकिस्तान का एक राज्य गिलगित बल्तिस्तान, उसके लोगों ने बोला है कि हमें जो है इंडिया में मिलना है, हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान को हमारी कदर नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली भाई। वैसे तो पाकिस्तानी जो एंकर है वो लोगों से पूछ रही है कि इंडिया ने क्लेम किया है गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने के लिए, लेकिन नहीं, खुद पाकिस्तान के गिलगित के लोग जो है इंडिया में मिलना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छी बातें करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट सवाल, आज का सवाल ये कि हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इंडिया को क्लेम करा है कि वो हमारा हिस्सा होना चाहिए, उसको हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए, तो ऐसी क्या वजूहत है कि इंडिया आए दिन कुछ ना कुछ क्लेम करता रहता है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं वो भी उनको मिल जानी चाहिए? देखें, इंडिया पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क है, जाहिर सी बात है वो तो कहेगा कि यार जो ऐसे एरियाज हैं जो कि ज़्यादा खूबसूरत है उसको मिल जाए, जैसे कि जम्मू कश्मीर है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन नहीं इंडिया के पास है, तो वो जाहिर सी बात है क्लेम करेगा। और खुद भी देखा जाए पाकिस्तानियों को कि बलूचिस्तान वगैरह में इतनी कोई सहूलियात नहीं है, ठीक है, तो इंडिया उनको सहूलियात फराहम करेगा तो जाहिर सी बात है फिर क्लेम करना उसका बनता भी है। तो अगर वहाँ पर सहूलियात वगैरह हों तो क्यों कोई क्लेम करेगा, और आपको सहूलियत देनी चाहिए बस। अच्छा, आपने कहा कि सहूलियत होंगी अगर पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा तो इंडिया को क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में ही हो रहा है, हमने इसको एक अलग सूबा बना दिया है, सब कुछ उसके अलग सिस्टम सेट किया हुआ है हम लोगों ने, तो इंडिया मतलब भी कभी कुछ ना कुछ वो क्लेम करते ही रहते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर अमेरिका उसको थंडर तैयार देगा तो वो हमारे पर अटैक करेगा, ये सारा कुछ, हालांकि पाकिस्तान इतना फ्री बैठा हुआ है। देखें, इसी भी कहने की बातें हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का हिस्सा जितना तक आपने कहा पाकिस्तान का हिस्सा होने का मतलब नहीं बनता अगर आप वहाँ की को केयर नहीं कर रहे। अभी आप जैसे लाहौर को देख लें, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, आपको माइनर से माइनर चीज़ भी अवेलेबल, वहाँ पे मेजर से मेजर चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, वहाँ से तुम गैस निकालते हो और ला के ये लाहौर इस्लामाबाद ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ में रखते हो, हालांकि हक ज़्यादा उनका बनता है, उनकी चीज़ें ही ला कर यहाँ पे हमारी हुकूमत रख रही है और उनको कुछ नहीं दे रही, तो फिर बाद में कहते हैं इंडिया क्लेम कर गया, इंडिया वो कर गया, इंडिया करके, पहले तुमने क्या किया, पहले वो तो देखो। सही हो गया, तो हमारी गवर्नमेंट मतलब कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर, मेरे लिहाज से तो कुछ नहीं कर रही, बस यही कहूँगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सदखान अचकजई। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इंडिया वाले कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान जो कि हमारा पांचवा प्रोविंस है वो उनका हिस्सा है, वो उनका हिस्सा बन जाना चाहिए, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? ये तो बहुत सी सादा सवाल है, ये तो पाकिस्तान की हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, ये तो इंडिया जो है बार बार बड़के मारेंगे, कल इंडिया वाले कहेंगे कि दादा की नगरी लाहौर भी हमारी है, कल वो कहेंगे कि कराची हमारी है, तो हम मानेगा? उनके साथ वो जो है बड़के मारते आ रहे हैं, हमें उन पे जो है बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया बड़के मार दे, लेकिन समटाइम्स इमरान खान है वो तो कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं वो सारा कुछ, तो फिर इमरान खान बीच में क्या किया उन्होंने, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए कि जैसे कि आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट इंडिया देता रहता है? इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इंडिया हो नाम किसी के एंटी है, नाम किसी के फेवर में, हम हर मुल्क से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, चाहे वो इंडिया की नदर मोदी हो या उनसे पहले जो भी था, हम बराबरी की बुनियाद पे उनसे ताल्लुकात चाहते हैं, वो ये वाला सिलसिला हम ख़त्म करना चाहते हैं, नफरतों वाला, हम बोलते हैं चाहो भाई वाला जो करना है मुल्क की सतह पे करेंगे। तो इंडिया हमेशा टू वे टॉक ही करता, वन वे टॉक में बता देता है कि भाई ये चीज़ हमारी है हम लेने, हालांकि वो चीज़ है पाकिस्तान की, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शहबाज शरीफ उनका क्या रद्द है, मतलब वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर? शहबाज शरीफ ये मुल्क पूरा जो आपका मुल्क है वो उनको वज़ीर आज़म नहीं मान रहे, वो एक क्राइम मिनिस्टर है अमेरिका की, वहाँ पर इक्तदार में आए, उनको कोई नहीं मानता, ये जो खुद टीवी में कह रहा था कि बिगर आर नॉट चूजर्स, कि बेकारी की कोई औकात नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, जब आपकी वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम बेकारी है तो आप फिर उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इंडिया के साथ अमेरिका के साथ किस लेवल में, तो वो तो फिर जो बेकारी वाले लेवल पे बात करेंगे। इमरान खान वाइड लीडर था, जो खुदार था, उनको हेवल रेफरेंस में उसका जायदाद नहीं थी कि वो अमेरिका से डर रहा था किसी मुल्क से, वो रस गया तो उसी पे उसको निशाना बनाया कि आप क्यों हमारी इजाज़त के बगैर अमेरिका अका और ग़ुलाम की रिश्ता यहाँ पर कायम करना चाहते, लेकिन खान अपनी मर्ज़ी से गया उरस पे, लेकिन बदबख्ताना खान या जब उरस से आते, जब हम सस्ता तेल लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोग थे वो तेल से जो है ज़्यादा सस्ता बिक गया। ठीक हो गया, तो आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? इंशाल्लाह पूरा कौम की ख्वाहिश है कि इमरान खान टू थर्ड मेजोरिटी के साथ आएगा, जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान
पंजाब असम्बली और KPK को डिसॉल्व कर चुका है, तो इससे ये बज़ाहिर हो रहा है कि मुल्क 70% इंतखाबात की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह मुल्क में बहुत जल्द नए इंतखाबात होंगे और बड़ी अक्सरियत से मेरे तो तवक्को है और पूरा ईमान है अल्लाह के ऊपर कि इंशाल्लाह हमारा वो लीडर वापस आ रहा है जो हमारी इज्जत की मान रखे, हमारी वकार का मान रखे, हमारे मुल्क की सलामती की बात करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उसामा। उसामा, मुझे ये बताएं कि हम 5 सुबह की बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो इंडिया कह रहा है कि वो हमारा हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा क्यों है कि इंडिया हर चीज़ जो पाकिस्तान में होती है उसको अपना बनाने के लिए क्लेम कर लेता है? देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया मार खा नहीं रहा, वो उसको कहने से क्या हो जाएगा? अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो अगर हमारे कह लें चलो इन शॉर्ट जर्नल वगैरह बहुत से ऐसे लोग हैं अभी हमारी माशाल्लाह से एजेंसी देख लें, दिन रात 71 के बाद अब तक हमने बहुत चीज़ें अपनी बेटर कर ली हैं, तो आई थिंक सो अगर फौज को सियासत में ना आए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सही हो सकती हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। अभी तो न्यूक्लियर पावर है, दो मुल्क, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। क्लेम्स क्यों करते रहता है दिन कुछ ना कुछ इंडिया कहता रहता है पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्लेम्स करने से क्या होगा, एक तो वो बच्चों वाली बातें होंगी ना, उनके मीडिया में देख लें किस तरह बातें हो रही हैं, और सिर्फ आई थिंक वो कहते हैं ना बड़के मार रहे हैं, वो सिर्फ बड़क मार रहे हैं कि जैसे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। न्यूक्लियर पावर एक मुल्क है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं। अभी मैं देख रहा था, अभी मैं आ रहा था तो चावल की प्लेट लेने के लिए ना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी सिर्फ चावल के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है आई थिंक, और बहुत कुछ क्राइसिस हैं। तो इतने क्राइसिस होने के बावजूद क्या है भाई, न्यूक्लियर पावर है, एटम बम है हमारे पास, क्या है एटम न्यूक्लियर पावर? अगर न्यूक्लियर पावर की बात करें तो वो तो इंडिया भी है ना, न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं। हम जहाँ पे भी जाएंगे भाई क्या आपके पास, हमारे पास एटम बम है भाई, क्या करेंगे? लास्ट चांस तो है ना हमारे पास, अभी उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं, क्लेम जितना मर्जी कर ले, कश्मीर जो हो गया वो हो गया। अभी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अल्लाह के करम से एक इंच भी नहीं ले सकेगा। तो ऐसे क्लेम्स कर देता तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है? गवर्नमेंट तो छोड़ दें, सारे गवर्नमेंट की आपको पता ही है जो शुरू से होता आ रहा है। अभी अपना जरदार पीपल पार्टी का देख लें, नून लीग का देख लें, एक बेचारा आया था उसको लंगड़ा करके बिठा दिया हुआ उन्होंने, तो अभी लाहौर की वाम को देख लें, नून लीग को कभी नहीं था तो अभी PTI आई थी, तो एक नजरियाती जमात है, तो इमरान खान को भी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए उस तरफ से उसे सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इंडिया क्लेम कर रहा है कि इसको हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए, इस पर क्या रिव्यू देना चाहते हैं कि इंडिया क्यों ऐसी बातें करता है? इंडिया को देखो, उसने तो अपना कब्जा करना है लेकिन हम पाकिस्तान को करने नहीं देंगे। हाँ, तो वो ऐसी बातें करता क्यों है? वो देखिए, उनकी हुकूमत आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है। ये नहीं पता इसके बारे में। हाँ, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ को लेकर? गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, देखो पता नहीं क्या करती है आगे जाके। हाँ, मतलब कि इंडिया कुछ भी बोलता जाएगा हमारी गवर्नमेंट खामोशी सुनती जाएगी? हमारी गवर्नमेंट देखो, जब तक ये समझे ये चोर वगैरह ये उनसे मतलब पैसे वगैरह लेंगे तब तक उन्होंने बैठना ही है। जिस तरह जब तक इमरान खान जैसे कोई अच्छा बहादुर लीडर नहीं आएगा तब तक तो उन्होंने यही कहना है और हमने सुनते रहना है ऐसे सब कुछ। हाँ, तो हम क्यों सुनते रहेंगे? हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास अच्छी आर्मी है, इतना कुछ है हमारे पास, हम जवाब नहीं दे सकते आगे से? तो हमारे लोग बस बैठे हुए चुप करके, मतलब कोई आगे से है नहीं कोई बहादुर बंदा जो आगे जाए कदम बढ़ाए तो बाकियों के साथ चले, कोई है नहीं इस तरह का बंदा हमें। ओके, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम भी इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ कह सके? अगर हम उनसे चलो दिल्ली हमारा हिस्सा बन जाए, करना दिल्ली को बना ले हिस्सा, ये तो करना चाहिए। हाँ, कोई मतलब स्टेप लेगा ना तो उसके पीछे हम, मगर कोई स्टेप नहीं लेता ना ये तरह का। okay. कैसे सुना भाई पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन, भाई इनकी आंखें फट गई के सोच के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया में मिलना चाहते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, भाई गिलगित बल्तिस्तान जो है ये भाई पाकिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान ये जो है अफगानिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास टचिंग वाले जो एरिया है। तो भाई इनके जो लोग है ना, ये मान लिया जो पाकिस्तान का सिर्फ लाहौर जो उसका सेंटर है, सिर्फ वहां के ही लोग खुश है, वरना जो साइडों का एरिया है किनारों का बोलो, अब दूर के दो लोग बोलोगे वे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहां से जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है जो भी खनिज पदार्थ है वहां से निकालती है और अपने पास लाहौर मिला के रख लेती है, मतलब अपने यूज में, और उन लोगों के बारे में भाई कुछ भी नहीं सोचती। तो वो लोगों ने फैसला लिया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है इंडिया में मिल जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी कदर नहीं कर रहा है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि भाई इंडिया का कोई एक राज्य है, जैसे कि आप यूपी को मान लो और सॉरी आप हरियाणा को मान लो, हरियाणा है जैसे कि वो बोले कि इंडिया हमारी कदर नहीं कर रहा तो हमें दूसरे देश में मिल जाना चाहिए। तो वही काम है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का एक राज्य है वो जो है इंडिया से मिलना चाहता है, वहां के लोग जो है इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। और भाई कुछ नहीं पता, अगर वोटिंग करवा ले तो वो लोग बोलेंगे हमें तो इंडिया में जाना है, इंडिया में रहना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है, पाकिस्तान जो इतना कमजोर हो गया है कि उसके राज्य टूट कर इंडिया में मिलना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपको अगली लेटेस्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।